भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी द्वारा नगर परिषद गेट पर आमजन की मूलभूत सुविधाओं व समस्याओं के निराकरण को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कमेटी के सचिव तेजपाल सिंह ने बताया कि नगर परिषद शहर की जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए में पूरी तरह से पीछे रही है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा लोगों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है, कच्ची बस्तियों में अभी पट्टा वितरण नहीं किया गया। इसके अलावा और रामलीला ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था नहीं हुई, जिससे शहर में पार्किंग की समस्या है। शहर के प्रताप स्कूल में बारिश से पानी भर जाता है, इसी तरह की समस्या जनता कॉलोनी में भी बनी हुई है, लेकिन नगर परिषद इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। शहर में रोड लाइट नहीं जल रही, सफाई व्यवस्था चरमराई गई है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है ताकि नगर परिषद इन समस्याओं को तुरंत समाधान करे व आमजन को राहत मिल सके। रास्ता है तो उसको रास्ते को तो साफ करो यार। व्यापारी वर्ग को भी सहूलियत मिले, आग लग जाने पर किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस आ जा सके। मैंने सुना है पिछली बार जब यहाँ आग लगी किसी दुकान में इतनी जनधन हानि होने की स्थिति पैदा हो गई कि अंदर तक एम्बुलेंस नहीं आ पाई। तो ये हम सब लोग जो करते हैं वो जनता की सुविधा, व्यापारी की सुविधा, स्थानीय नागरिक की सुविधा को देख लिए करते हैं। हमें किसी को तंग करने, परेशान करने का कतई उद्देश्य नहीं होता। अतिक्रमण केवल आम जनता के हित के लिए उठाया जाता है। भविष्य में आग लग जाए, किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, तब सारे लोग सरकार को दोष देते हैं, व्यवस्था और प्रशासन को दोष देते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ऐसे कदम उठाता है। निश्चित रूप से कुछ व्यापारी इसमें परेशान भी होते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कतई व्यापारियों को परेशान करने का नहीं है। हम चाहते हैं सहमति के साथ, प्यार से, मोहब्बत से उनसे मिलकर बैठकर बातचीत करने के बाद सहमति के आधार पर अतिक्रमण हटाए। आपका और व्यापार संघ अध्यक्ष का सीमांकन को लेकर मतलब कल बैठक होना निश्चित है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छे जो है अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने मेरी बात हुई से, इन्होंने कहा सब जो बचाओ अधिकरण है उसमें चिन्हित करके और हटा लेंगे, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा इन्होंने हमें सहयोग भी किया है और निश्चित रूप से आगे भी करते रहेंगे। मुझे लगता है कौन से उड़ेगा अतिक्रमण से कौन से उड़ेगा? धन्यवाद। अभी कई मार्केटों से अतिक्रमण रहा है, तकरीबन हमने जो तय किया था उसका तकरीबन 75% के आसपास हट चुका है। दुनिया मेरी बात सुनिए, शाम से मेरे पास व्यापारियों के फोन आ रहे थे कि इस तरह से पूरी मार्केट या अन्य मार्केट में छज्जे तोड़ जा रहे हैं और नाले तोड़ जा रहे हैं, आप आइए। तो चूड़ी मार्केट में हम भी जानते हैं कि हमारा व्यापारी आम जनता परेशान है, हम शांत रहे, लेकिन जब ये तिलक मार्केट वीर चौक जहाँ पर बढ़े व्यापारी तो हम फोन गए, मैं खाना खाते खाना छोड़ के आया। इस तरह से अधिकारी कोई भी हो व्यापारी साथ मिलकर चले, व्यापारी सहयोग करेगा, लेकिन दमनकारी नीति अपनाएगा हम कभी सहयोग नहीं करेंगे और दमनकारी नीति अपनाने भी नहीं देंगे। व्यापारी को भूखा नहीं बनने देंगे। व्यापार आज बहुत टेढ़ी खीर हो चुका है, व्यापार नहीं बचा है, बच्चे कैसे पाल रहे हैं व्यापारी वो हम लोग जानते हैं, व्यापारी से दिल से पूछो। अच्छा क्या हाईकोर्ट के आदेशों को मानने में सर व्यापारियों को कहीं? सर मेरी बात सुनिए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब आदेश हर आदमी मानता है, अधिकारी की मजबूरी है वो उसको मनाना पड़ता है, व्यापारी मानता है, लेकिन अधिकारी की भी ड्यूटी बनते है कि व्यापारी भूखा नहीं मरे, उसका बच्चे भूखे नहीं सोए। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो ये कहते हैं कि यहाँ का कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए, चुनाव का समय है और उसके बाद हम ये घटना जो कर रहे हैं इसका हम क्या कह रहे हैं, सरकार के खिलाफ चल रहे हैं हम लोग, ये बिल्कुल।